मैडम, कोरोना ने देश की हालात खराब कर दिए हैं, किसान आंदोलन पे क्या असर पड़ेगा इसका? कोरोना ने किसके हालात खराब कर दिए? देश के? पूरे देश के? बंगाल की खबर नहीं आ रही कुछ कि कोरोना के बंगाल में क्या हाल है। रात को 8 बजे, पूरे दिन में कोरोना सो जावे और रात को जब 8 बजे नु कहे चलो मैं घूमने जाता हूँ इवनिंग वॉक पे, यही तो हालात है। जो सच है वो बताओ, कोरोना ने हालत खराब कर रखी है। आपको नहीं लगता कोरोना है देश में? नहीं, अरे ये खांसी जुकाम तो पहले भी हो गए, अभी ने नाम नया ला के निकाल के धर दिया, हम क्या कर सके? खांसी जुकाम तो पहले भी हो गए, मर रहे हैं ये पहले ना आदमी वो हो गए बीमारी से हो गए ना, पहले के आंकड़े देखो। हाँ चलो मान लो हमने मान ली कोरोना है, हम तो पूरे नियम का पालन कर रहे हैं, हाई कोर्ट का भी पालन कर रहे हैं, गाड़ी में एक व्यक्ति बैठेगा मास्क लगाएगा, ठीक है हम कर रहे हैं पालन उस चीज को। लेकिन जब बड़ी बड़ी रैली मोदी जी की और अमित शाह जी की भी हो, क्या उन पर लागू ना आई हो मास्क लगाओ? है आपने देखा कितनी बुरी तरीके से एक पुलिस वाले भाई ने उसको ऑटो चालक को पीटा? नहीं, अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप भी गलत करोगे। अरे हम तो उनसे कह रहे हैं कि तुम सही करो, हम कद कह रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं हाईकोर्ट का, पूरा करते हैं ठीक, और हम लगा के भी गाड़ी में जब आएंगे तो लगा के आएंगे मास्क, ठीक है आएंगे, हमने मान लिया आएंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो हम पालन करेंगे पूरे सभ्यता से। लेकिन जैसे लट उस पुलिस वाले ने उस ऑटो वाले पे बजाया, क्या किसी रैली में एक में भी इन पे भी बजाया भैया? नहीं, ये बात आपकी जायज है ना, फिर ये कानून इन किसानन के या मजदूरन के लिए ही है? लेकिन इनके लिए नहीं है। सरकार ने पूरी रणनीति बना ली है, किसान आसानी से जाते हैं तो ठीक है, नहीं फिर वो फोर्स लगाएगी। अच्छा फोर्स लगा का होगा, क्या होगा फोर्स लगा के? जेल भरो आंदोलन, और जितने भी व्यक्ति जेल में जाएंगे, जितने भी किसान और मजदूर, उनकी खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और डॉक्टरों की व्यवस्था और उनकी पूरी देख रेख जिम्मेदारी सरकार की होगी, किसी को कुछ होगा ना पता चल जाएगी, ठीक तो ठीक तो है जेल भरो आंदोलन कर लेंगे। कोरोना महामारी फैल रही है, इससे चले जाइए, आप आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं वे? हम भी उनसे 4-5 महीने से यहाँ धूप में बैठ के, सर्दी में बैठ बैठ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुम बिल रद्द कर दो, सम्मान किसान ने घर भेज दो, सम्मान से उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी, हम उनकी रिक्वेस्ट मानने को हम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, उन पे है, क्योंकि वे हमारी वोट सू लेके बैठे और हमारी वोट सू बने हुए, ऐसी थोड़ी बने वो। लेकिन वो आपकी मांग है ठीक है जायज, लेकिन जो कोरोना है फैल रहा है पूरी दुनिया में, भारत में नहीं, तो उसे तो देखना पड़ेगा ना, पैंडेमिक एक्ट लगाएंगे। सुन ले, 5 महीने से यहाँ किसान बैठे समथिंग, ठीक, इतने किसानों की बुजुर्गों की शहादत भी हुई है यहाँ आंदोलन में, आप एक भी नाम ऐसे किसान बुजुर्ग का निकाल दो जिनकी मृत्यु उससे हुई है कोरोना से। लेकिन या इनकी बड़ी बड़ी रैली में ना हो रहा कोरोना, इतनी लंबी चौड़ी रैली और वे गाड़ी में हेलो हाय कर रहे हैं मोदी जी ऐसे ऐसे कर करके, वहाँ कोरोना नहीं हो रहा? जहाँ चुनाव है वहाँ के आंकड़े क्यों ना दिखा रहे? जब उनके मन में चोर पाप नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी रैलियों में काकू ने दिखा रहे हैं। उनकी रैलियों पर हर कोई सवाल उठा रहा, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर पे अगर देखा जाए तो बुजुर्ग बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं, और बुजुर्गों के लिए डॉक्टर सबसे ज्यादा खतरा बता रहे हैं, जो 60 साल से ऊपर है। अच्छा, ताकि ये जवान जवान जो इन पर उल्टे सीधे मुकदमे लगा के इन्हें जेल में बंद कर दे, फिर ये उल्टे सीधे मुकदमे लगा के इनकी इनकी जो जिंदगी खराब कर दे, बर्बाद कर दे। अगर अगर सरकार एक्शन करती है तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे? हम बैठ रहे हैं जेल में आंदोलन कर लेंगे, जेल में आंदोलन ना हुए महात्मा गांधी जी ने ना करे जेल में आंदोलन, जेल में कर लेंगे, क्या पता गई, और सबकी सुरक्षा, जान माल की, डॉक्टरी, खाना पीना सब कुछ जिम्मेदारी इनकी होगी, सरकार वालों की सब कुछ, और कहा किसकी होगी? जेल में ये बंद करेंगे, हम जा रहे हैं अपनी मर्जी से। या जो गाइडलाइन सरकार बनाएगी उसे अपनाओगे आप लोग? सरकार ने तो यू गाइडलाइन बना ली, हम पे तो यू ना झिली, ये गाइडलाइन ठीक बनाते, हम तो शुरू से फॉलो करता रहे, किस चीज को इनको हमने विरोध करा? 50 बार पूछ ली मैंने आपसे, बताओ आप कि करो हमने किस चीज का इनका विरोध? नहीं, अब तो लॉकडाउन लग रहा है, अब तो संडे का योगी जी ने आज ऐलान कर दिया। अच्छा, संडे का लॉकडाउन रहेगा। हाँ, लॉकडाउन रहेगा, वहाँ भी लॉकडाउन अपने लगा लेते हैं, वहाँ पूरी की पूरे मंत्रिमंडल वहाँ जाके पड़ेगा बंगाल में, पूरे मंत्रिमंडल को काम ना कुछ है, सब चीज जो की तू सारे व्यापार बंद कर दिए, अरे स्कूल बंद है, फीस चालू है, शटर बंद है, किराया चालू है, देश बंद है, टैक्स चालू है, लेकिन इस चीज में एक चीज ऐसी की ऐसी बरकरार है, मोदी जी के 4 जोड़ी कपड़े पहनने आपने, आपने और भाषण देने होगी। लखनऊ में बहुत बुरे हालात हैं, अगर ऐसे हालात यहाँ बन जाते फिर क्या करोगे आप? हम क्या यहाँ ये कोरोना आ जाओ, कोरोना का बाप आ जाओ, हम यहाँ बैठे और कोई ऐसी वो आवेगी तो जेल भरो आंदोलन होगा, जेल में करेंगे अपना आंदोलन। तो आप मानते नहीं कोरोना है देश में? अरे पहले ना हो खांसी जुकाम, ये नाम कहाँ सुलाया हुआ कोरोना ने अपना आके बताया कि मैं कोरोना हूँ, मेरा नाम कोरोना? नहीं नहीं, आप मानते नहीं मानते कोरोना है या नहीं? अरे हमें नहीं पता, हमें तो इस बात का जवाब दे दो, और हम इस बात का भी जवाब देंगे कि जहाँ इनकी रैली हो रही है क्या वहाँ कोरोना जाता नहीं है? कोरोना नू कहते मैं नहीं जाऊंगा, मोदी जी आप पहले रैली कर लो, अमित शाह जी आप पहले रैली कर लो, आपसे डर लग रहा है, मैं बाद में आऊंगा। तो वो तो कह रहे हैं ये बात, इस बात को साबित कर दें कि इनकी रैली में ना, हम भी बता दें कोरोना है ना। वो नेता तो कह रहे हैं हम गाइडलाइंस का फॉलो कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? आपने देखी नहीं इतनी वीडियो,
देखी नहीं आपने अमित शाह गृह मंत्री जी की वीडियो है, मोदी जी की? देखी नहीं योगी जी की वीडियो आपने? अभी कुछ दिन पहले बंगाल में भाषण दिया बिना मास्क के। अगर महामारी फैल जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी, बॉर्डर पे सरकार होगी। सरकार काय को बैठा रही है? काय को बैठा रही? इतना लंबा आंदोलन देश के हित में ही आंदोलन जो चलवा रहे हैं वे। सरकार का कहना मानो फिर? क्यों माने? सरकार हमारा कहना माना जब हमने उन्हें बैठा है? सरकार क्या हो? देश की जनता को सरकार कहा जा। तो मंत्री साहब कह तो रहे हैं कि अभी कोरोना महामारी अपने घर चले जाइए, बाद में हम बातचीत। कोरोना महामारी में बातचीत करके चार्टर्ड प्लान लिया है। इतने मजदूर अपने घर पैदल जा रहे हैं, वो ना दिखे इन्हें, वो ना दिखे। और इतनी दुविधा में, इतने कष्ट में वो अपने घर जा रहे हैं, ये प्लान लेकर। जब वो कोरोना कहां गो इनके लिए आयो? इनमें से एक आध मंत्री संतरी कोई सा ऐसा व्यक्ति आया जिसकी पूरे चर्चे में चली हो कि इन्होंने यहाँ लंगर लगाए, यहाँ इन्होंने भंडारे करे, या उन्हें घर पूछवाया? आए कोई ऐसे सामने मंत्री जी? लेकिन कोई एमएलए एमपी आया हो निकट के? मैडम ऐसा लग रहा है जब से कोरोना की जो बाढ़ आई तेजी से आई है, किसान नेताओं के बयान से ऐसे लग रहा है कि उन्हें भी अब डर लगने लगा। वो कहने की शाहीन बाग ना समझा जाए, क्योंकि शाहीन बाग जो आंदोलन खत्म हुआ था वो कोरोना की वजह से हुआ था। हाँ, तो इस आंदोलन को शाहीन बाग बिल्कुल ना समझे। देश को आंदोलन है, जन आंदोलन है, किसान का, मजदूर का, हर किसी उस व्यक्ति का आंदोलन है जो रोटी खावे, और जो वो खावे उनको नहीं है। तो इसे शाहीन बाग का एक आंदोलन एक उसका ना समझे आंदोलन है। कोरोना का बाप भी आ जाएगा, आंदोलन कर रहे हैं, हमें कौन रोकेगा आंदोलन करने से? इतनी गाइडलाइन वहाँ भी दिखा लो जहाँ बड़ी बड़ी रैली है। कोरोना नहीं मानते ना? अरे हमें नू बता दे, मैं इनकी रैली में कोरोना कहाँ चले जाए, फिर हम इन्हें बताएंगे पूरे ठीक ठाक बैठ कर आमने सामने। सही कह रहे, कहाँ मानते? मैंने कहा जुकाम पहले ना होवे। अगर महामारी आ जाती है उसकी जिम्मेदारी भी आपने ले रहे, यही फैला रहे। क्यों ले मैं हम जिम्मेदारी? इनका क्या मतलब इतने दिन तक आंदोलन करवा रहे? चार आदमी बैठ जावे, शर्मदार आदमी के इतनी इज्जत हो भाई, चार किसान पहुंच जाओ तो वो बात मान ले भाई। अब हर बॉर्डर पर लाखों लाखों किसान, करोड़ों करोड़ों किसान बैठा हुआ हो, देखा भी पीछे ठीक। और अब भी देश में जगह जगह वो हो रही है तो किसान समर्थन कर रहे हैं वे आंदोलन का। उसके बाद भी इन्होंने बात नहीं मानी, क्या इनके है थोड़ी बहुत इज्जत शर्म? चार आदमी इनके कहने से पांच आदमियों की बात पर सिर माथे हो रही ठीक। अब पता ना सरकार इतनी कट्टर आ गई भैया, कहाँ करो जाग। लेकिन अब देखने को मिल रहा बॉर्डरों से रौनक थोड़ी फीकी पड़ती जा रही, लोग जा रहे हैं। अरे हमारे घर नौकर नहीं है, क्या बार बताऊं? 10 बार तो मैंने बता दी ना, हमारे घर अडानी अंबानी ने मशीन भिजवा रखी, अपने आप खेती काटे हैं, तो इन्हें आंदोलन भी देखना, खेत भी देखने। तो खेत पहले नहीं होती थी? खेती हो भाई पहले, फिर 4 महीने से खेती नहीं। तो अब तो मजबूरी होगी ना आंदोलन करना, पहले खेती भी करें। अरे अब खेत कौन काटेगा? यहाँ से एक आध यहाँ आवेंगे, एक आध वहाँ जाके खेत काटेंगे। या कोई और वजह है? कोई और वजह तुम बता दो, क्या बजाओ तुम बता दो। हम तो बता रहे ना क्या वजह, ना तो हमारे दौरे मशीन, ना हमारे दौरे नौकर। चाकर गांव में जाके देखे देखे इनकी इनकी इनके परिवार वाले ये बेचारे यहाँ पे, इनके परिवार वाले अपने आप काट रहे हैं गेहूं। तो आप तो यहाँ है, आपके नहीं है? मेरे खेती सुन लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मेरा तो इतनी सी जगह है, उसमें खेती पेती बोने लायक जगह नहीं। दूसरी बात, ना हम उसमें कुछ बोते, ऐसी पड़ रहे हैं वो तो खाली। अब तो सरकार तो इसका कोई फायदा तो ना उठा ले? काय का फायदा कम होने का? काय का कैसे उठा ले फायदा? लोग तो एक मिनट में आ जाएंगे, देखो एक बार तुरंत नाम है तो बात है। तो किसान को रणनीति बना रहे हैं आगे की नहीं? क्योंकि खबरें आ रही हैं अगर किसान नहीं मानते हैं तो सरकार एक्शन लेगी। फिर एक्शन लेकर कहा हमें कोलू में पिलवाएंगे, ये कोलू में पिलवाएंगे, मरवाएंगे हमें, ये खाली करवाएंगे बॉर्डर सर? कैसे खाली करवाएंगे? तभी आंदोलन कर लेंगे जेल में भी। हम गांधी जी ने भी करा, हम कह तो रहे हम का लड़ रहे, यही तोप चला रहे, यही नेताओं को मरवाने की साजिश कर रहे हैं, यही उनके पे गोली चलवा रहे, हम थोड़ी कर रहे हैं ये बताओ। लेकिन राकेट कैच जी ने तो टीका लगवा लिया है। अच्छा फिर आप कह रहे कोरोना नहीं है? अरे लगवा ले ठीक है, खांसी जुकाम का टीका लग गा, सब के लग रहे ठीक है। जिनका जी करे वो लगवाओ, जिनका ना करे मत लगवाओ। मैं तो ना कह रही तुम जबरदस्ती लगवाओ, या ना मैं कह रही तुम मत लगवाओ। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ भी एक केंद्र होना चाहिए टीके के लिए? जो किसान बैठे उनके भी टीका, अगर सबके लग रहे हैं तो भी लगना चाहिए। जो ये व्यवस्था करे ऐसी। एक बात और बताओ मुझे, जिसका मन है भैया वो लगवे, जबरदस्ती किसी की ना, थारी मर्जी, थारा शरीर है, तुम अपने शरीर के मालिक हो, ना कोई नेता ना कोई सरकार तुम्हारे शरीर की मालिक। लेकिन सरकार ने 45 वर्ष से जो ऊपर के आयु के कंपलसरी कर दिया उन लोगों के लिए। हाँ ठीक है कर दिया होगा। एक बात और बताओ, यू जो कोरोना का टीका लग रहा है, यू टीका कोरोना का सरकार दे रही है ना, सरकार ही तो दे रही है ठीक। और वो कोरोना का टीका किस उस दे रही? हमारे टैक्स तू दे रही ठीक। लेकिन जो कोरोना का टीका लग रहा, कोरोना की वैक्सीन पे इतना बड़ा फोटो मोदी जी को क्यों लग रहा? क्यों लग रहा? अगर उन्हें अपना प्रचार करना, ऐड करना, अपने पैसा सुखा रहे हैं, हमारे स्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन आप लोग कहते हैं कि बीजेपी जान पूछ के कर रही है सारे काम, और कैसे कर रही है? दिल्ली सरकार में तो केजरीवाल, उन्होंने 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया, तमाम सरकारें लगा रही है, पंजाब सरकार भी लगा रही है, झारखंड की सरकार भी लगा रही है। तो फिर उन्होंने कहिए कि तुम किसानों ने घर भेज दो, कही किसी सरकार ने, किसी दूसरी सरकार ने, विपक्ष वाले ने कही?
क्यों हम पहले सुनो, एक शिक्षक ने दीपक चौरसिया, दीपक नाम है उनका, उन्होंने कह दिया 8 दिन की वो फॉलो करूंगा और मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल है, सारे बच्चों को लेकर धरने पे बैठूंगा। तुरंत बौक लागे, ईडी जा, फैलाने जा, ढहके जा, तुरंत भेज दी। लेकिन जैसे केजरीवाल ने कर्फ्यू का ऐलान करा, जंतर मंतर बंद कर दिया दिल्ली के अंदर आता, फिर कहा होगा तो कर दिया, पहले ना करे इन्होंने तो सिस्टम ही ऐसा फैला दिया, क्या कर सके बताओ। डरी हुई तो सारी सरकार है ना इस महामारी से, आप कह रहे हैं बीजेपी कर, अरे ये गुंडागर्दी से डरी हुई है सारी सरकार, समझ नहीं रहे आप बात को, गुंडागर्दी से डरी हुई है। देखी ना थी आपने अभी किसान नेताओं पे गोली चलवान लग रहे, ठीक, और यहाँ पे आके धमकी दे लग रहे, देखी मैंने तो वीडियो में देखी भाई, पत्थरबाजी किसी ने कर दी थी, पत्थरबाजी उच्छेद से हो रहा है, मैं गोली कसम पत्थरबाजी मार, तो मुझे तो पता नहीं पत्थर का या उसका, चलो पत्थर भी था क्यों था, पर किसानों तो माफ कर दिया उन्होंने, तो माफ कर दिया, माफ तो करना रहे किसानों का काम ही माफ करने का, हम तो मोदी जी को भी माफ कर देंगे, उनकी इतनी बड़ी गलती है, वे बिल तो रद्द करें, हम तो उन्हें माफ कर देंगे, किसान का दिल ही ऐसा, इनकी तरह थोड़ी कट्टरपंथी करूरपंथी दिखा रहे हैं, इतने किसानन की शहादत हो गई है, क्या बार बताऊं, तीसरी बार पूछ रहे हो, बता तो दी, जेल में आंदोलन कर लेंगे, जेल में हटा दे मैं जो ये जेल में आंदोलन कर लेंगे, गांधी जी जेल में कौन ले जा रहा है तुम्हें, क्यों ना ले जाएंगे, घर भेजेंगे, घर काय को भेजेंगे, इनके घर में जाएंगे सारे, कह देंगे हम तुम्हारे घर में रहेंगे, हम तुम्हारे घर में रहेंगे, इनके भतेरे बड़े बड़े इतने फार्म हाउस और वेयर हाउस और फलाना हाउस और ढेको हाउस, 4 दिन को एमपी एमएलए बन जा भतेरे बड़े बड़े, एक घर में भी खूब खूब आदमी आ जाएंगे, रोटी पानी की व्यवस्था कर लेंगे, हम तुम्हारे घर ही आ जाएंगे, मारो तो अपने घर में मार दो, कोलू में पिलवाने से तो बढ़िया। नहीं मैडम जी, आप भी लगातार इस आंदोलन में आ रही है, 5 महीने ना होने वाले हैं, सुन लीजिए, सुनाइए, आपको नहीं लग रहा कि किसानों का मनोबल टूट रहा, आपको कहाँ से लग रहा, मेरी समझ में नहीं आ रही, मैंने बताई भीड़ कम किस लिए होगी, इसलिए होगी, और ये बुजुर्ग यहाँ बैठे, हमारे बुजुर्गों का मनोबल कम नहीं हुआ, वे जो बॉर्डर पे बैठे भाई जवान जो हैं, वे सारे देश की सीमाओं को रखा हुए हैं, और ये जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, ये उनके बाप बैठे हुए हैं, कि मनोबल कैसे टूट जाएगा बताओ आप, अपने बच्चे जिसने एक फिक्र ना करते हुए कि शहीद हो जाएगा या ऐसी कुछ बात हो जाएगी, इतने लोग शहीद हो गए किसान आंदोलन में, फिर भी यहाँ बैठे हुए, तो आप कैसे कह सको इनका मनोबल टूट रहा, मनोबल कम हो रहा, जनसंख्या तो कम हुई है, अरे मैंने बताया नहीं अभी खेत काटने जा रहे हैं तो सारे एक साथ ही चले जा रहे हैं, अरे एक बात बताओ, सब परिवार से अलग अलग है ना, मैं अपने अलग परिवार से, ये अलग है, ये अलग है, आप तो कह रही हमारे थोड़ी सी जमीन, अरे मेरे नहीं है, मैं तो उसमें 15-20 दिन बाद, गलत, आज मैं 6ठे दिन आई हूँ, मैं हरियाणा गई थी और डॉक्टर भीमराव जी की अंबेडकर जयंती पे वहाँ गई थी, और उससे एक दिन पहले भी मैं हरियाणा में थी टोल पे, गलत कह रहे हो आप, अब मैं छलाया तो हूँ ना, जो उठ के यहाँ आ जाऊँ और वहाँ चली जाऊँ, दूसरी बात इस देश को बहुत, लोकतंत्र को बचाने की बहुत ही राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है अगर इन्हें इतना देश प्यारा, देश तो बचने की स्थिति में लग रहा नहीं, लेकिन एक उपाय है मेरे द्वारा बच जाएगा देश, कैसे, एक उपाय है, माने मोदी जी बहुत कहमे के राष्ट्रीय हित में यो करो, राष्ट्रीय हित में तेल लो 100 रुपए लीटर लो और ये लो और वो लो और वो लाला रामदेव जी भी कहमे, तो एक ही व्यक्ति है इस देश में अब ऐसा जो हमारे देश को बचा सके, कौन, मोदी जी, अपने पद से इस्तीफा देंगे, अनुरोध है जी बचा दो देश को, अगर थोड़ा बहुत तुम्हें प्यार हो तो इस देश को, अपने पद से इस्तीफा देंगे, देश बच जाएगा, चलिए ठीक, हाँ।